को अलाइड हॉस्पिटल में पेश आया कि एक फैसलाबाद का शहरी जिसका नाम शकर और उसकी बीवी का नाम शहला के घर एक बेटे की पैदाइश होती है और 21 तक वो इस खराश वाक्य से गुजरते हैं कि उस को हॉस्पिटल में से कोई अगवा करके ले जाती है जो में पुलिस मौके पर पहुंची है। FIR का इंदराज होता है, स्पेशल चीफ साहब अपनी सबराही में बनते हैं जिसमें वक्त SP उस्मान सैफी टीम को लीड कर रहे होते हैं, जिसमें DAP सिविल लाइन हमारी जो सिविल लाइन की टीम हमारी की टीम और साथ ही साथ CDU की टीम है, 6 टीम्स पर मुश्तमिल ये एक जॉइंट बनाई जाती है कि एफर्ट्स अपनी स्टार्ट करती है जिसमें वीडियो फुटेज वगैरह CCTV कैमराज की फुटेज जाती हैं, डिफरेंट जगहों पर जो डिफेंस करवाई जाती है, लोकेशन जाती है, LERs पर अपडेट किया है और उसके अंदर में 7 दिन मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम कामयाब होती है कि एक औरत जिसका नाम सुमैरा इकबाल है जो कि रहने वाली फैसलाबाद 219 जबकि फिलहाल मुकीम थी, उनका डाटा हमारे पास आता है जिस पर काम किया जाता है, मुख्तलिफ ऐसे बजावी से इसको देखा जाता है और मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स गाड़ते हुए इनको टारगेट बनाया जाता है, इनका गिरफ्तार किया जाता है, इनके कब्जे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने मोहम्मद बच्चे को भी बाजियाब करवा दिया है, ये गिरफ्तार हैं। बच्चे के वालदैन से भी रब्ता किया गया, जैसे जब हमको बच्चे के बाद बुलाया उन्होंने अपने बच्चे को शिनाख्त भी की और इकरार करती है कि ये एक बहुत ही इनोद किया है, जो उसकी मजबूरियां हैं उसके आगे वजूहत हैं वो एक अलग चीज है, कोई वजह इस साबित करने में किसी भी मौसर नहीं हो सकती। अभी हमारे पास हमने इंतजार करके आज अदालत में पेश किया है और बाकी तथ्य अभी चल है, जो हमारी टीम है जिसमें CU टीम, CIA टीम और जो थाने का आमला है, तमाम क्रेडिट जाता है जो पीछे SP उस्मान थे उनको हमारी CIA टीम और इसी हम मौजूद हैं। अभी आपके जो भी इससे क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। इनके साथ 2 खवातीन जो हैं वो बिल्कुल दिखाई दी गई हैं जिनको हम कल अपने पास हम